स्टूडेंट्स, टुडे आर गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एंड आवर 13 लेसन इज मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2। इससे पहले मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1 हमने सीखा है, लेसन नंबर 5 हमारा था। ओके, वहां पे हमने ये लैटिक मेथड सीखी है। ओके, ये कैसे करते हैं ये हमें पता है। ओके, लैटिक मेथड से हमने सॉल्व किए एग्जाम्पल। अभी हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है पेज नंबर 75 पे जो है वो। ओके, तो सिंपल से मल्टीप्लाई दिए लेकिन नंबर्स जो है वो बड़े हैं 100 प्लेसेस की। ओके, और इस तो फिर यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। ये सारा जो नंबर है, कितना नंबर है, 743 नंबर है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा कितने होते हैं, 5 3 जा 15। सो यहाँ पे 5 लिखेंगे और 15 ऐसे लिखा जाता है। ओके, 5 लास्ट नंबर जो होता है यूनिट वाला, यहाँ पे लिखते हैं और 1 यहाँ पे कैरी होता है। ओके, फिर हम 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा कितने होते हैं, 20 20, और ये 1। ओके, 20 प्लस ये 1 का यहाँ पे ये जो कैरी आया है ये प्लस हम लेंगे, तो फिर 20 और 1 कितने हुए, 21। सो यहाँ पे 21 इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, तो ये पीछे वाला नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आगे वाला नंबर यहाँ पे बोरो होगा। ओके, फिर यहाँ पे 5 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35 35, और प्लस 2 करेंगे, 35 प्लस 2 कितने होते हैं, 36 एंड 37। तो 37 यहाँ पे लिखेंगे 37। ओके, नंबर 2 डिजिट वाले नंबर एक ही बॉक्स में नहीं लिखने, सेपरेट लिखने। ओके, तो इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे सेकेंड वाला है, 4 से इसे करना है। ओके, फिर यहाँ पे 9 से करना है पूरे नंबर को, कौन सा नंबर है, 354। ये जो 2 है आपको होमवर्क में देती हूँ, ये आपको होमवर्क करना है। ओके, देखिए, इससे पहले जो एक्सरसाइज थी 75 के 5 पेज नंबर पे, वहाँ पे आपको यहाँ पे सिर्फ नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन एक्सरसाइज जो है ये वाली जो पेज नंबर 76 पे है, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये 7 है। ओके, यूनिट प्लेस का जो है नंबर, उससे पहले हम ये जो पूरा नंबर है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 7 7 जा कितने होते हैं, 49। ओके, तो यहाँ पे 49। ओके, तो फिर 9 जो है ये यूनिट वाला पीछे वाला नंबर यहाँ पे लिखेंगे और आगे वाला नंबर क्या होगा, यहाँ पे कैरी होगा। ओके, फिर इस 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा कितने होते हैं, वो आपको टेबल आने चाहिए इसके लिए। ओके, तो 7 3 जा कितने होते हैं, 21 21, और प्लस कितना करना है, ये 4। ओके, प्लस 4 करेंगे तो कितने मिलेंगे आपको, ये 4 और 1 5 और ये 2 25। सो ये 25 ऐसे लिखने, हर एक नंबर अलग बॉक्स में लिखना है। ओके, फिर अभी तो यहाँ पे आगे नंबर नहीं है, अगर यहाँ पे आगे कोई नंबर होता तो फिर हम 7 से उसे मल्टीप्लाई करते, लेकिन आगे नंबर नहीं है तो यहीं पे हमें रुकना है। फिर हमें क्या करना है, इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि 2 क्या है, 2 कौन सी जगह पे है, देखिए 2 का 2 टेंस पे है। ओके, ये जो 2 है कहाँ पे है, टेंस की जगह पे, तो फिर 2 से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 10 से ही स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो है ये हम ऐसे ही छोड़ देते, यहाँ पे 0 लिख दो या फिर क्रॉस कर दो। ओके, इस तरीके से, ताकि हमें समझ में आए कि ये एक घर जो है वो छोड़ना है, क्योंकि हम 2 से टेंस वाले प्लेस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टेंस वाले प्लेस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम टेंस से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, टेंस, ये टेंस से ही स्टार्ट करेंगे। तो 2 7 जा कितने होते हैं, 14। सो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 1 कैरी, कहाँ पे होगा 1 कैरी, ये
ये जो पहला वाला है ये सिर्फ कर देते हैं, यहाँ पे ही होगा क्योंकि 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है ना 2 से, तो 1 यहीं पे लिखेंगे। ओके, फिर 2 3 जा कितने होते हैं 6, और ये प्लस 1 करेंगे तो कितने होंगे 7, तो यहाँ पे 7 राइट करेंगे। फिर हमें क्या करना है, ये जो नंबर आए हैं, ओके देखिए यहाँ पे उन्होंने एक बॉक्स कम दिया है, ये जो नंबर आए हैं इनका हमें प्लस करना होता है। ओके, तो यहाँ पे बॉक्स बढ़ाइए आप और इनका प्लस लिखिए। इनका प्लस क्या होगा, अभी 9 प्लस 0 ये कुछ भी नहीं है, मतलब 0 होता है, तो यहाँ पे 9। 5 प्लस 4 कितने होते हैं 5 प्लस 4 9, और 7 प्लस 2 कितने होते हैं 9। ओके, सो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, फिर नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। देखिए 67 जो नंबर है उसे हमें 92 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अभी 92 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। ओके, यूनिट जो यूनिट प्लेस है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 2 7 जा कितने होते हैं 14, सो 14 का 4 यहाँ पे लिखते हैं, ये 14 होता है तो 4 यहाँ पे, और जो 1 है वो कैरी होगा आगे के बॉक्स में, इसी बॉक्स में नहीं होता है। ओके, 4 यहाँ पे लिखते हैं तो आगे के बॉक्स में कैरी होता है। फिर 2 6 जा कितने होते हैं 12, और 1 13, सो यहाँ पे 13। ओके, फिर यहाँ पे आगे नंबर नहीं है तो ये यहीं पे फिनिश होता है। ओके, फिर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 9 क्या है, टेंस है, यूनिट नहीं है, तो 10 से स्टार्ट करना है, तो ये तो छोड़ना पड़ेगा, तो ये हम छोड़ देते हैं। ओके, फिर 9 7 जा 9 7 जा कितने होते हैं 63, सो यहाँ पे 63 ये जो नंबर है इसका पहला वाला नंबर यहाँ पे लिखेंगे, और 6 जो है वो कैरी होगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी कैरी है तो इसे क्रॉस कर दो और यहाँ पे 6 लिख दो, क्योंकि अभी का कैरी क्या है 6। ओके, तो फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, अभी 9 से हम 6 को करेंगे। ओके, फिर 9 6 जा कितने होते हैं 9 6 जा होते हैं 54। ओके, 54 और प्लस ये 6 करना है। ओके, प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा, ये 10, 1 कैरी और 6, तो कितना आया 60। ओके, तो यहाँ पे हम 60 राइट करेंगे। फिर यहाँ पे इनका प्लस किया जाता है, यहाँ पे बॉक्स कम है तो यहाँ पे बॉक्स बना दीजिए, सॉरी यहाँ पे बॉक्स बना दीजिए। ओके, अभी इनका प्लस कीजिए, ये 4 और 0 4, 3 प्लस 3 6 1, और ये 6, तो इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके के आपको कितने क्वेश्चन है, मैंने 1 एंड 2 ये सॉल्व किया है, 3rd 4th 5th एंड 6th ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क है। ओके, ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं। अभी यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, यहाँ पे सेम है लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स है वो कितने हैं 3 नंबर्स है। ओके, फर्स्ट वाले में यूनिट 10 100। ओके, और एक ही नंबर दिया है, ये जो पूरा हमने किया है ना यहाँ पे देखिए इस तरीके का पेज नंबर 75 है कैसा था, वैसे ही मल्टीप्लाई है। ठीक है, सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करने हैं, तो ये जो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है, ये आपको ये भी होमवर्क में करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन बिलो। चलिए यहाँ पे आपको मैं सेकेंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे करना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये फर्स्ट क्वेश्चन 223। ओके, आपको थोड़ा सा ये इसमें गैप रखना है, ताकि हमें सॉल्व करने जब हम सॉल्व करते हैं तब नंबर लिखने में हमें इजी हो जाए। ओके, यहाँ पे हम पास पास लिखते हैं ना तो बहुत ही गिचमिड होती है। ओके, तो यहाँ पे 3 3 जा कितने होते हैं, आपको टेबल आते हैं, 3 3 जा कितने होते हैं 9 होते हैं ना, सो यहाँ पे 9 राइट करना है। 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना मिला,
669। ओके, ये सिंपल से क्वेश्चन है, सो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन बिलो। यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो मैं ये सारे आपको सॉल्व करके दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट कॉस्टिंग रुपीज 495 ईच। उन्होंने क्या कहा है कि आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, 3 शर्ट की कॉस्ट फाइंड करनी है, लेकिन एक शर्ट की प्राइस कितनी है, 495। तो 3 शर्ट की कॉस्ट कितनी होगी, तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिखती हूँ, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ पे आपको इस तरीके से सॉल्व करना है ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो फिर यहाँ पे कीमत कितनी दी है 1 शर्ट की, तो यहाँ पे लिखते हैं 495। ये क्या है, ये है कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट। ओके, फिर यहाँ पे कितने शर्ट की निकालनी है, 3 शर्ट की। तो हमें 3 शर्ट की निकालनी है, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये 3 क्या है, नंबर ऑफ शर्ट, 3 शर्ट की निकालनी है। सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 3 5 कितने होते हैं, 15। ओके, तो यहाँ पे 5 और 1 कैरी होगा। फिर 3 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27। ओके, और 1 कितने हुए, 28। तो यहाँ पे 8 और 2 कैरी। फिर 3 4 कितने होते हैं, 3 4 12, और 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 12 13 और 14। सो यहाँ पे कीमत कितनी आई, 1485। ये जो आई, ये क्या है, टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट, टोटल कॉस्ट है, लेकिन किसकी है, शर्ट की। ओके, तो हम फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट इज रुपीज कितनी आई, 1485। ओके, सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अमीनाबाई ब्रॉट 6 क्रेट्स ऑफ एप्पल इच कॉस्टिंग रुपीज 325, हाउ मच डिड शी पे ऑल टुगेदर। अमीनाबाई ने क्या खरीदा है, 6 क्रेट्स एप्पल खरीदे हैं, उसकी कीमत कितनी है, इसे हमें 325, ये उसकी कीमत है। तो हमें क्या निकालना है, हाउ मच डिड शी पे ऑल टुगेदर, तो इसके लिए वो कितना पैसे पे करेगी, ये निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन किया है, फर्स्ट वाला, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें लिखना है 325। ओके, ये क्या है, ये है कॉस्ट ऑफ 1 क्रेट। ओके, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से। तो 6 क्या है, 6 है नंबर ऑफ क्रेट्स, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ क्रेट। ओके, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, सो यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 और कैरी होगा 3। ओके, फिर 6 2 12 12 और प्लस 12 में प्लस 3 करेंगे तो कितने होते हैं, 15। सो यहाँ पे 5 और 1 कैरी। फिर 6 से 3 से करेंगे, 6 3 18 और 1 19, तो यहाँ पे 19। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 1950। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ 6 क्रेट्स। ओके, तो फिर लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, शी पेड या अमीनाबाई पेड लिखिए तो भी चलेगा। शी पेड रुपीज कितने हैं,
1950 ऑल टुगेदर। ओके, सो इस तरीके से हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मैंगो ग्रो देयर आर 45 रोज विथ 23 ट्री इन द ईच रो। देखिए यहाँ पे मैंगो के ट्रीज लगाए थे, वो बढ़ रहे थे। ओके, तो फिर वहां पे रोज कितने थे? देयर आर 45 रोज थे। ओके, 45 रोज थे और ट्रीज विथ 32 ट्रीज इन ईच रो। एक रो में रो कितने थे? 45 और एक रो में 32 ट्रीज थे। ओके, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज आर देयर इन द ग्रो। फिर कितने मैंगो ट्री लगाए थे यह हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या है, 45 रोज है, नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे लिखते हैं 45। ओके, ये क्या है, नंबर ऑफ रोज। ओके, फिर नंबर कौन सा है, 32, ये क्या है, ट्रीज है, नंबर ऑफ ट्रीज, तो मल्टीप्लाई करेंगे 32 से। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। ओके, फिर यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, पहले 2 से 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या कीजिए, 2 5 10, तो यहाँ पे 0 1 कैरी, 2 4 8 और 1 कितने हुए, 9। ओके, फिर यहाँ पे फिनिश हो गए नंबर, तो यहाँ पे 3 से करेंगे 45 को, तो 3 क्या है, यूनिट टेंस है, तो 10 से स्टार्ट करेंगे, ये जो यूनिट वाला है प्लस है ये छोड़ देते। ओके, 3 से करेंगे, 3 5 15, यहाँ पे 5 और 1 कैरी होगा। ओके, ये 1 मिटा देते, ये दूसरा वाला 1 कैरी। ओके, फिर 3 से करेंगे तो 3 4 12 होते हैं और 1 कैरी, तो फिर 13, तो यहाँ पे 13 लिखते हैं, अभी इनका प्लस करेंगे। ओके, ये जो नंबर है इसका प्लस करेंगे, 0 और 0 0 होता है। ओके, फिर यहाँ पे 9 प्लस 5 कितने होते हैं, 14, सो यहाँ पे 4 और 1 कैरी होगा, ये 3 प्लस ये 1 कितना होता है, 4 और ये 1, तो आंसर कितना मिला, 1440। ओके, ये जो आंसर मिला ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैंगो ट्री, तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज। ओके, और एंडिंग में स्टेटमेंट लिखते हैं, तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयर आर 1440 मैंगो ट्रीज इन अ रो। ओके, इन अ रो। सो इस तरीके से हमारा ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या है, इफ वन बुक कॉस्ट ₹80। ओके, हाउ मच डू 25 सच बुक्स कॉस्ट। एक बुक की कीमत ₹80 है, तो फिर 25 बुक्स की कीमत कितनी होगी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 80 क्या है, 80 है कॉस्ट ऑफ वन बुक। ओके, यहाँ पे दिया है, फिर 25। ओके, तो 25 से मल्टीप्लाई करना है इसे, लेकिन 25 क्या है, नंबर ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे नंबर देखिए, नंबर ऑफ बुक। मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, पहले 80 को मल्टीप्लाई करेंगे, 500, किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। ओके, फिर यहाँ पे
5 8 जा कितने होते हैं 40, सो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे। फिर 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन 2 क्या है, 10 से, 10 है ना ये यूनिट और टेंस, तो ये 1 प्लस छोड़ देंगे। ओके फिर 2 से करेंगे 2 0 0 और 2 8 जा 60। ओके फिर इनका प्लस करेंगे, 0 का 0 यहाँ पे भी 0, फिर 6 प्लस 4 कितने होते हैं 10, तो यहाँ पे 0 और 1 कैरी और 1 और 1 2। ओके सो यहाँ पे आंसर कितना मिला 2000, लेकिन 2000 ये क्या मिला हमें, कॉस्ट ऑफ 25 बुक्स, 25 बुक्स की कॉस्ट निकालने के लिए कहा है, तो ये हमें मिल गया। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 25 बुक्स। ओके तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखते हैं, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 25 बुक्स इज ₹2000। ओके सो इस तरीके से आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा बॉट 2 ड्रेसेस फॉर ₹695। ओके 695 में लाया है एक ड्रेस। ओके तो 2 ड्रेस लाए हैं, तो उसकी कीमत हमें निकालनी है। क्या पूछा है, हाउ मच डिड शी पे इन ऑल, तो टोटल पे कितना करेगी। ओके तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं 695। ओके ये क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस। ओके तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस। ओके फिर कितने ड्रेस लाए हैं, 2। ओके तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 2 ये क्या है, 2 है नंबर ऑफ ड्रेस, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ड्रेसेस। ओके नंबर ऑफ ड्रेसेस तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए करते 2 5 10, तो यहाँ पे 0 1 कैरी, 2 9 18 और 1 कितने होते हैं 19, तो यहाँ पे 9 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13, तो यहाँ पे आंसर कितना मिला 1390। तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 ड्रेसेस। ओके तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 2 ड्रेसेस। ओके और लास्ट में लिखते हैं सी या फिर सीमा, सीमा पेड रुपीज कितना पेड किया 1390 इन ऑल। ओके सो इस तरीके से हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इजी है ना क्वेश्चन। ओके चलिए सिक्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स वाला क्वेश्चन क्या है, इफ 1 सैक ऑफ वेट 53 किलोग्राम्स। ओके एक सैक जो है उसका वेट कितना है, वेट यानी आटे की सैक है, गोनी है, बोरी है। ओके उसका वेट है 53 किलोग्राम। ओके हाउ मच डू 19 सच सैक वेट, तो ऐसे ही 19 बोरी का वेट कितना होगा, ये हमें निकालना है। ओके तो इसे हम सॉल्व करते हैं, पहले लिखते हैं 53, तो 53 ये क्या है, 53 है वेट ऑफ 1 sack। ओके फिर 19 sack का निकालना है, तो ये 19 क्या है, नंबर ऑफ sack है। ओके 19 नंबर ऑफ sack है, इसे मल्टीप्लाई करना है, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 27, तो यहाँ पे 7 और 2 कैरी, फिर यहाँ पे 9 5 45 45 और ये 2 प्लस करेंगे तो 47, फिर यहाँ पे 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये 110 से, तो ये एक नंबर छोड़कर करना है, 1 3 3 1 5 5। ओके इनका हम प्लस करेंगे, चलिए प्लस करते हैं 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 3 कितने होते हैं 10, तो यहाँ पे 0 1 कैरी, फिर
फोर प्लस वन फाइव और प्लस फाइव कितने होते हैं 10। ओके तो यहाँ पे आंसर कितना मिला 1007। तो ये क्या है, ये है वेट ऑफ 19 sack। ओके तो यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं देयर फॉर वेट ऑफ 19 sack इज 1007 kg। ओके चलिए सेवेंथ वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है सेवेंथ में। अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर ऑन 1 liter ऑफ पेट्रोल, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट ट्रेवल ऑन 35 liter। ओके एक कार है जो डिस्टेंस कितना पार करती है 16 किलोमीटर डिस्टेंस 1 liter, अगर उसमें 1 liter पेट्रोल डालते हैं तो कितना किलोमीटर चलती है 16 किलोमीटर चलती है। तो फिर उसको वहाँ पे 1 liter की जगह पे, अगर 1 liter की जगह पे 35 liter ओके पेट्रोल डाल दिया जाए तो वो कितना ट्रैवल करेगी, कितना किलोमीटर जाएगी, ये हमें निकालना है। ओके तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, 16 नंबर दिया है, 16 क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 liter। ओके 1 liter, फिर 35 दिया है, 35 ये क्या है लीटर, 35 लीटर पेट्रोल है। ओके तो यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, ये लीटर में दिया है लीटर्स। ओके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 5 6 कितने होते 30, तो यहाँ पे 0 3 कैरी, 5 1 5 और प्लस 3 कितने होंगे 8। ओके फिर ये हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये एक नंबर छोड़ते हैं क्योंकि ये 10 है। ओके 3 6 कितने होते हैं 18, फिर यहाँ पे ये 1 कैरी, 3 1 3 और 1 कितने होंगे 4, इसका प्लस करते हैं 0, 8 प्लस 8 16, 6 यहाँ पे 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, तो आंसर कितना मिला 560। तो ये क्या मिला डिस्टेंस ट्रैवल ऑन 35 liters। ओके 35 लीटर में कितना ट्रैवल करेगी 560 किलोमीटर। तो फिर फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर कार विल ट्रैवल 560 किलोमीटर ऑन 35 लीटर पेट्रोल। ओके पेट्रोल लिखते हैं पेट्रोल। ओके सो इस तरीके से हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी 8 क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इफ 365 ट्रीज कैन बी प्लांटेड ऑन 1 hectare ऑन एन ऑर्चर्ड, एक ऑर्चर्ड है बहुत बड़ा बगीचा है, इसमें ट्रीज प्लांट करने हैं। ओके कितने ट्रीज है 365 ट्रीज है, कितने ट्रीज है 305 ट्रीज है। ओके 1 hectare में प्लांट करने हैं। फिर यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी ट्रीज कैन बी प्लांटेड ऑन 8 hectare में, 1 hectare में इतने ट्रीज लगाए गए, तो फिर 8 hectare में कितने प्लांट कर सकते हैं, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट यहाँ पे कितना नंबर है 365। ओके ये क्या है ट्रीज इन 1 hectare और 8 hectare का निकालना है, तो 8 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 क्या है ये हेक्टर से। ओके मल्टीप्लाई करते हैं 8 5 40, यहाँ पे 0 और 4 कैरी, 8 6
एट सिक्स जा 48, 48 प्लस, देखिए 8 सिक्स जा 48 प्लस 4 करेंगे तो कितने मिलेंगे यहाँ पे 52। ओके तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और 5 कैरी होंगे। 8 थ्री जा 24, 24 और 4, 24 और 5। ओके 5 कैरी है ना, तो 5 कितने होते हैं 29, तो यहाँ पे लिखेंगे 29। ओके तो आंसर कितना मिला 2920। तो ये क्या है, ये है ट्रीज प्लांटेड इन 8 hectares। तो फाइनल स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, देयर फोर 2920 ट्रीज कैन बी प्लांटेड इन 8 hectares। ओके सो इस तरीके से हमारे ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और हमारे ये जो पेज नंबर 76 और 77 पेज नंबर के एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट होती है। ओके आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके थैंक यू।